ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 10 मई 2023 की दोपहर में 1:44 पर मंगल मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि मंगल की नीच राशि मानी जाती है। यहां पर मंगल देव 1 जुलाई 2023 तक प्रभावी होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और इसका देश काल वातावरण के ऊपर भी काफी गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को सावधान होकर चलना है और कहां पर आपको मंगलदेव बड़ी सकारात्मकता दे सकते हैं, तो मंगल ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, अचल संपत्ति, सौतेली मां, सेक्स की कामना, दुर्घटना और विज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। वहीं चंद्रमा से प्रभावित राशि, जल तत्वी राशि, कर्क राशि में यह नीचस्थ स्थितियों में होते हैं। मंगल यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर अनुकूल और बलीय स्थितियों में होते हैं तो कई प्रकार की सफलता भी प्रदान करते हैं। मंगल यदि तीसरे भाव, छठवें भाव, दसवें और एकादश भाव में किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली पर मौजूद हो, उच्चस्थ स्थितियों में हो, तो व्यक्ति के जीवन में उत्साह और सकारात्मकता की प्रधानता होती है। ऐसा जातक किसी के अंडर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। मंगल यदि शुभ हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी अभूतपूर्व साहस जातक के अंदर बना रहता है और अपने पराक्रम के द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों से भी जातक निकलने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली पर मंगल की स्थिति यदि बली हो तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयास में बड़ी सफलता देखने के लिए मिल जाती है। वही जन्म कुंडली पर मंगल यदि कमजोर हो जाए, नीचस्थ स्थितियों में हो जाए या अस्तगत स्थितियों में यदि हो जाए, विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है। बीपी, अल्सर, ट्यूमर और रक्तचाप, ये 4 प्रकार की बीमारियां मंगल के खराब होने पर शरीर में दिखाई देती है। शत्रु जीवन में हावी होने का प्रयास करते हैं। परिवार के जन ही व्यक्ति के विरोधी हो जाते हैं। तो जब मंगल की स्थिति दर्शकों जन्म कुंडली पर खराब हो तो इसको मंगल से जुड़ा हुआ उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का यह परिवर्तन किस प्रकार की स्थितियां दे रहा है। तो यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो 10 मई को आपके राशि के 12वें भाव पर प्रवेश कर रहे हैं। राशि के 12वें भाव से विदेश, सैया, सुख, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, अनिश्चित खर्चों के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। 12वें भाव पर मंगल विराजित होकर अपनी चतुर्थ नीच दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे।
सप्तम दृष्टि से आपके राशि के रोग भाव को देखेंगे, अष्टम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देखने वाले हैं। तो देखिए, मंगल का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिला जुला प्रभाव डाल रहा है। राशि के 12वें भाव पर मंगल का गोचर होगा। मंगल नीचस्थ स्थितियों में होंगे, तो विदेशों में यदि आप जाकर किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय संचालित करना चाहते हैं, या विदेश जाकर यदि आप पढ़ाई करने के लिए चाह रखते हैं, तो 1 जुलाई की समयावधि तक यानी 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और खर्चों में भी वृद्धि, दोनों चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक ओर आपके जीवन में धन के आगमन की प्रबल संभावना दिखाई देगी, वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में खर्चों में लगातार आपको वृद्धि मिलने वाली है। मंगलदेव आपके राशि के 6वें भाव पर शुभ प्रभाव डालेंगे। तो यदि आप जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय यदि आपके जीवन में नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। सिंह राशि के जातकों, यदि आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक का यदि आपका कार्य है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, भूमि भवन या वाहन से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई काम है, इसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। इस गोचर के प्रभाव से, चूंकि मंगल अपनी आपके राशि के दाम्पत्य भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि से संबंध जोड़ रहे हैं, तो यहां पर दाम्पत्य संबंधों में सिंह राशि वाले जातकों को समन्वय पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि आपके राशि के सप्तम भाव पर शनिदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके राशि के सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे, तो यहां पर वाद विवाद की प्रबल संभावना आपके जीवन साथी के प्रति निर्मित हो सकती है और व्यर्थ के तनाव भी आपके जीवन में बन सकता है। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को प्रयास करना चाहिए, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो कुटुंब यहां पर संबंध आपको बेहतर बनाकर चलना चाहिए, कुटुंबी जनों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शत्रुओं को आप धराशायी करने में सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में यदि आपकी संलग्नता बनी हुई है या इन चीजों में आप विजय की संभावना को लेकर चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में विजय चाहते हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मंगल के प्रभाव से मिल सकती है। विदेशी माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब सिंह राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपको जरूर बरतना है। देखिए, मंगल चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन सभी चीजों के कारक होते हैं और जब ये अपने नीच राशि में प्रवेश करके आपके राशि के 12वें भाव पर भ्रमण करेंगे तो आपके मन में उत्साह की वृद्धि करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के अंदर मानसिक रूप से क्रोध में आपको वृद्धि ज्यादा दिखाई देगी, इसलिए यहां पर हड़बड़ाहट में आकर आपको वाहन चलाने से बचना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का विशेष रूप से पालन करना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। तो स्थिति आपके जीवन में काफी ज्यादा अनुकूल बनेगी, काफी ज्यादा बेहतर बनने वाली है। दूसरी सावधानी सिंह राशि वाले जातकों को यह रखनी है, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखकर चलते हैं, इसमें आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में संलग्न होकर क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बेहतर लगी। यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल ग्रह को अनुकूल और मजबूत करने के लिए मंगल से जुड़ा हुआ दान करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इसलिए मंगलवार के दिन गुड़, सौंफ, देसी शक्कर, गेहूं या
लाल मजदूर का दान करना बेहतर रहने वाला है। किसी सात्विक ब्राह्मण को यदि आप पूर्ण रूप से श्रद्धा और दक्षिणा भाव से दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी अनुकूल और बेहतर रहेगी। मंगल ग्रह से संबंधित शुभता को यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, श्रवण भी करना बेहतर है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः।